जोशीमठ में गुरु नानक देव के 550वें जन्मदिन पर प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिख समुदाय के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने भी गुरु नानक देव की भक्ति में झूमकर कीर्तन भजनों एवं गुरबाणी का गायन किया, जिसके बाद गुरु प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। वहीं गुरुद्वारा ट्रस्ट अध्यक्ष ने बताया कि हमारा ट्रस्ट प्रतिवर्ष ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाता है और आगे भी मनाता रहेगा। सिख समूह को गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब की लख लख बधाई। आज हमने प्रयास किया गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से गुरुद्वारा जोशीमठ में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां जन्म उत्सव जो मनाया गया, तो हमारे ट्रस्ट की एक गुरुद्वारे की एक विचार था कि जब सभी संसार में जहाँ भी नानक नाम देव बैठे हैं, गुरु नानक देव जी का आज 550वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, तो हमें भी एक हिमालय में एक भव्य कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि जो संदेश गुरु नानक देव जी का है सारे संसार के लिए, वो हिमालय से भी एक जाना चाहिए। तो हमने जोशीमठ में आज गुरु ग्रंथ साहब जी के सहज पाठ के बहुत पढ़े हैं 10:30 बजे, उपरंत 12:30 बजे तक शब्द कीर्तन गायन हुआ है और 12:30 बजे अरदास हुई है और 1 बजे जो यह कार्यक्रम है गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा लेने के उपरांत समापन हुआ है। और कम से कम भी आज सभी लोकल लोग, चाहे कोई बाहर से का आर्मी थे, कम से कम 1500 लोग यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं और सभी ने गुरबाणी गायन जस सरगुण किया है, गुरु को श्रद्धांजलि दी है, अपने श्रद्धा के फल अर्पण किए हैं और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है जो हिमालय में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया।